नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राकेश तिवारी, कवि, कहानीकार, लिखने वाला, फ्रीलांस राइटर चाहे जो कहें। पर 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन वाला जीवन शुरू हुआ तो मुझे लगा अब ये सारा देश जो है मेरा जीवन जीने वाला है, जो कि घर पर बैठो और काम। पर हमारी जो बिटिया है 5 साल की, निहार, उसके लिए ये मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने नर्सरी स्कूल जाना या शाम होते ही गार्डन में तफरी जाना। दोनों ही चीज़ें बंद होने वाली थी। और मेरे ख्याल से सारी गलतियाँ हम माँ बाप कर ही लेते हैं, वो है बच्चों को मोबाइल पकड़ा देना। तो मैं भी लगाया बच्चे वो हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। अंटिल वन नाइट वी सॉ कि उसके हाथ अपने आप ऐसे हवा में स्क्रॉल कर रहे थे नींद में, और वो जैसे ही उठ जाती वैसे ही हाथ में उसके मोबाइल आ जाता। एंड दैट वॉज रियली स्ट्राइकिंग पॉइंट फॉर अस कि शायद स्मार्टफोन या डिजिटल यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया। सो वी डिसाइडेड टू कट दैट। सो फर्स्ट थिंग दैट शी ऑलवेज लाइक वॉज गोइंग टू हर प्री स्कूल, द नर्सरी स्कूल। सो हमने वो माहौल घर में बनाया। हम हर एक दिन छोड़कर ऑल्टरनेट डेज निहार का कोई यूनिफॉर्म पहनाकर, बिल्कुल जैसे नर्सरी में उसे लाया जाता है, घर में ला के स्टडी टेबल पर बिठा कर ABCD पढ़ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलना, गेम्स खेलना, ताकि उसे लगे कि स्कूल वाला माहौल है, शुड आई, सो दैट शी डजंट मिसेस द स्कूल। एक वो करना, या तो जैसे ही दोपहर का वक्त हो जाए होमवर्क करने के बाद, शाम को एक डांसिंग वाला सेशन करना जहाँ पर वो और मैं बस नाचे ही जाए। एंड वी यूज टू अपलोड दिस वीडियोज इन सोशल मीडिया ग्रुप्स या हमारे फैमिली ग्रुप्स में, शी यूज टू रियली लव दिस। रात होते होते कहानीकार बन जाना, तो कभी रामायण और उसमें राक्षसों में कोरोना की कहानी मिलाकर उसे सुनाना, ताकि नाइट का फोन टाइम यूसेज कम हो सके। पर बच्चे हैं, उदास तो हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। सो कई बार वो भी दरवाजे पर खड़ी होती है, पूछती है कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। सो मी एंड माई वाइफ वी टेक टर्न्स इन एक्सप्लेनिंग हर कि क्यों नहीं जा सकते, कोरोना क्या है, क्या बीमारी है। एंड ऑल दिस इज रियली हेल्प्ड हर, शी हैज बिकम मोर एंगेज, मोर प्लेफुल, शी इज मोर एक्टिव इन अदर एक्टिविटीज रादर देन स्मार्टफोन जंकी, जो कहते हैं ऐसा बन जाते हैं बच्चे। निहारिका अब बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी है, जान चुकी है कोरोना के बारे में। सो आई जस्ट आस्क हर टू कम, निहारिका यहाँ बेटा प्लीज कम एंड सबको बताओ। ये बहुत ही मुश्किल दौर है, खास करके बच्चों के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन इनको जो सारी चीज़ें मिलती थी वो अब नहीं मिल रही हैं। सो इनके साथ थोड़ा सा और पेशेंस रहिए, क्योंकि अगर ये मुस्कुराएंगे तो आप घर पर बैठे भी आराम कर पाएंगे। घर बैठो इंडिया, सेफ रहो इंडिया, सेफ रहो इंडिया।